आज के इस वीडियो में हम लोग परकोलेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि परकोलेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है वो है साइज़ रिडक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्रूड ड्रग है जिसका भी हम लोग को एक्सट्रैक्शन करना है, उस क्रूड ड्रग को हम लोग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि क्रूड ड्रग का साइज़ रिड्यूस कर देते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब साइज़ रिड्यूस क्यों कर रहे हैं, साइज़ रिड्यूस करने से क्या होगा, साइज़ रिड्यूस करने से जो क्रूड ड्रग है उसका सर्फेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसलिए सर्फेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से ज़्यादा जो हमारा ज़्यादा क्रूड ड्रग जो है वो अवेलेबल होगा मेंस्ट्रम के साथ रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, साइज रिडक्शन जो है उसकी साइज रिडक्शन का सेकंड बेनिफिट ये है कि इसकी वजह से जब हम लोग पैकेजिंग करेंगे इसकी परकोलेटर में, ठीक है, जब क्रूड ड्रग की पैकेजिंग करेंगे हम लोग परकोलेटर के अंदर, तो यूनिफॉर्म पैकिंग होगी क्रूड ड्रग की। ठीक है, साइज रिडक्शन की वजह से। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा कि जो मूवमेंट है मेंस्ट्रम का वो स्लो डाउन हो जाएगा धीरे धीरे। जब साइज़ बढ़ जाएगा, सर्फेस एरिया बढ़ जाएगा, तो जो मेंस्ट्रम है, मेंस्ट्रम यानी कि जो भी सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करें एक्सट्रैक्शन के लिए उसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रम। तो अगर सर्फेस एरिया ज़्यादा होगा तो जो मूवमेंट है मेंस्ट्रम का वो स्लो डाउन हो जाएगा, इस वजह से जो मेंस्ट्रम है वो ज़्यादा टाइम तक जो क्रूड ड्रग है उसके कांटेक्ट में रहेगा। और ये मैंने पहले ही बताया है कि जितना ज़्यादा क्रूड ड्रग के साथ जो हमारा मेंस्ट्रम है वो कांटेक्ट में रहता है उतना ही ज़्यादा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप हम लोगों ने देख लिया, पहला स्टेप था साइज़ रिडक्शन। ठीक है, साइज़ रिडक्शन क्यों किया, क्योंकि साइज़ रिडक्शन से सर्फेस एरिया बढ़ जाएगा, सर्फेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज़्यादा सर्फेस एरिया अवेलेबल होगा मेंस्ट्रम के साथ रिएक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ जब साइज़ रिडक्शन कर देंगे तो यूनिफॉर्म पैकिंग होगी क्रूड ड्रग की परकोलेटर के अंदर, और जो मूवमेंट है मेंस्ट्रम का वो स्लो डाउन हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा जो हमारा क्रूड ड्रग है वो मेंस्ट्रम के साथ ज़्यादा टाइम तक कॉन्टैक्ट में रहेगा, और जितना ज़्यादा टाइम तक मेंस्ट्रम जो है वो कॉन्टैक्ट में रहता है क्रूड ड्रग के साथ उतना ही ज़्यादा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने देख लिया। सेकंड स्टेप जो है वो क्या है, ये है इम्बिबिशन। ठीक है, इम्बिबिशन का मतलब क्या होता है, इम्बिबिशन प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो पाउडर ड्रग है, ठीक है, जो पाउडर ड्रग है उसको हम लोग मेंस्ट्रम में भिगो के रख देते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रम लेते हैं यानी कि सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं जो कि हम लोग एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस सॉल्वेंट के अंदर, उस मेंस्ट्रम के अंदर हम लोग इस पाउडर ड्रग को भिगो देते हैं, इमर्स कर देते हैं इसको 4 आवर्स के लिए। ठीक है, और ये जो इमर्शन का प्रोसेस है ये वेल स्टॉपर्ड कंटेनर में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे कंटेनर में होना चाहिए जिसको ढका जा सके। ठीक है, अगर हम लोग खुले ओपन कंटेनर में करेंगे, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि जो हमारा सॉल्वेंट है इसका इवेपोरेशन हो सकता है, इसलिए हम लोग को वेल स्टॉपर्ड कंटेनर में करना है। तो क्या करना है, एक वेसल लेना है, कोई भी मतलब क्लोज कंटेनर लेना है, उसके अंदर मेंस्ट्रम भरना है और उस मेंस्ट्रम के अंदर पाउडर ड्रग को डाल देना है। ठीक है, पाउडर ड्रग को जब हम लोग मेंस्ट्रम में डालेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा ड्रग है पाउडर ड्रग वो स्वेल हो जाएगा, जैसे जैसे जो हमारा पाउडर ड्रग है उसके सेल्स में जैसे जैसे मेंस्ट्रम एंटर करेगा वैसे वैसे वो पाउडर ड्रग है वो स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा वो। ठीक है, अब नेक्स्ट है मॉइस्टनिंग ऑफ ड्रग इज़ नेसेसरी। ये वाला जो प्रोसेस है जो हम लोगों ने किया वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग ड्राई कंडीशन में फिल करते हैं और फिर स्वेलिंग होती है तो इसकी वजह से पोरोसिटी जो है मटेरियल की वो रिड्यूस हो जाएगी और परकोलेटर जो है वो चोक हो जाएगा। सपोज़ हम लोग बात करते हैं, जैसे ये मैं बना नहीं पाऊँगी ढंग से लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। सपोज़ दिस इज़ परकोलेटर है ना, यहाँ पे हम लोगों ने क्रूड ड्रग को फिल किया है, तो अगर हम लोग सूखा जो क्रूड ड्रग है ड्राई बिना इम्बिबिशन के अगर हम लोग फिल कर देते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अगर इसको फिल कर देंगे ना, जैसे ये पास पास में मटेरियल्स फिल हो गए, तो अगर हम लोग क्रूड ड्रग को ड्राई फिल कर देंगे और फिर हम लोग इसके अंदर मेंस्ट्रम डालेंगे तो ये जो हमारे क्रूड ड्रग के पार्टिकल्स हैं ना ये स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि जो एयर जो वॉइड्स प्रेजेंट थे, जैसे मैं अलग से यहाँ पे दिखाती हूँ, जैसे ये दो पार्टिकल्स थे पहले ये दो पार्टिकल्स थे, अब हम लोगों ने जब ये जो मेंस्ट्रम इसके अंदर एंटर किया तो ये दो पार्टिकल्स ऐसे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे बड़े हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, इसको दोनों को आपस में ऐसे पास पास में मान लेना। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे मेंस्ट्रम के फ्लो होने के लिए यहाँ पे स्पेस था, लेकिन अब यहाँ पे जो है स्पेस नहीं रहा है तो मेंस्ट्रम किससे फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको ड्राई कंडीशन में फिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये मैंने बताया, एयर प्रेजेंट इन द इंटरस्टाइसेस रिमूव्ड बाय द मेंस्ट्रम, जब ये स्वेल हो जाएंगे तो यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट था पहले यहाँ पे वो अब स्पेस जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, इट डज़ नॉट अलाउ फाइन पार्टिकल्स टू बी वॉश्ड आउट ऑफ द परकोलेटर। जब हम लोग पहले से ये वाला परफॉर्म कर लेंगे प्रोसेस, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो भी हमारे जो क्रूड ड्रग के इमर्शन के बाद जो भी हमारे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो इसमें से बाहर आएंगे, जो क्रूड ड्रग है इसमें से सॉल्वेंट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स आएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग डायरेक्टली इसके अंदर डालते हैं ड्राई क्रूड ड्रग को डालते हैं फिर मेंस्ट्रम को डालेंगे, तो ये जो जब इसको डालने के बाद ये जो पार्टिकल्स बाहर आएंगे ना, तो इस पार्टिकल्स की वजह से ये पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे वापस इनके बीच में आ जाएंगे, तो वापस से जो वॉइड स्पेस है फिर इंटरस्टीशियल स्पेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको इम्बिबिशन का प्रोसेस करना ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड स्टेप आती है पैकिंग। पैकिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो लोअर एंड होता है परकोलेटर का, इसमें हम लोग कॉटन या फिर ग्लास वूल लगा देते हैं। सपोज दिस इज़ द परकोलेटर, ओके,
यहाँ पे इसकी ओपनिंग है ऐसा कुछ। तो ये वाला जो एंड होता है यहाँ पे हम लोग कॉटन वुल या फिर ग्लास वुल लगा देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग हमारा क्रूड ड्रग फिल कर देते हैं, ठीक है। क्रूड ड्रग को नॉर्मल फिलिंग होनी चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा टाइट फिलिंग होगी तो स्लो एक्सट्रैक्शन रेट होगा, क्योंकि जो मेन्स्ट्रम है वो क्रूड ड्रग के बीच में से पास नहीं हो पाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा लूज पैकिंग होगी तो मेन्स्ट्रम जो है वो क्विकली पास हो जाएगा, इनसफिशियंट एक्सट्रैक्शन होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जितना ज़्यादा टाइम तक हमारा मेन्स्ट्रम कॉन्टैक्ट में रहेगा उतना ही ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होगा। तो अगर क्विकली पास हो जाता है तो बहुत कम टाइम तक के लिए वो कॉन्टैक्ट में रहेगा और इस वजह से एक्सट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2/3 ऑफ द परकोलेटर शुड बी कवर्ड विद द ड्रग ऑन विच प्लेस द पीस ऑफ फिल्टर पेपर एंड वॉश एंड शुड बी प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द फिल्टर पेपर। दिस प्रिवेंट्स एनी टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द क्रूड ड्रग्स। इसका मतलब क्या है मैं वापस से यहाँ पे बना के समझाती हूँ दोबारा से। अरे यार 1 मिनट। सपोज दिस इज आवर परकोलेटर, ठीक है, ये हमारा परकोलेटर है, यहाँ पे इसका ये एंड है या फिर ये जो भी है, ठीक है। तो इस परकोलेटर के लोअर वाले एंड पे तो हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने यहाँ पे कॉटन लगाया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने हमारा ड्रग जो है वो फिल किया, और ड्रग जो है वो परकोलेटर के 2/3 पोर्शन तक फिल होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा या फिर उससे कम हम लोग फिल नहीं करेंगे। तो 2/3 पोर्शन तक हम लोगों ने क्या किया, क्रूड ड्रग फिल किया। अब इस क्रूड ड्रग के ऊपर हम लोग एक फिल्टर पेपर का लेयर लगाएंगे, और फिल्टर पेपर का लेयर के ऊपर हम लोग वॉश सैंड लगाएंगे। जो वॉश सैंड होती है इनर्ट मटेरियल होता है, ये किसी टाइप का कोई रिएक्शन कॉज नहीं करता। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो बेड है, ये जो लेयर है क्रूड ड्रग की, वो यूनिफॉर्म रहेगी, बिखरेगी नहीं वो, ठीक है। ये आगे मैं बताऊंगी, परकोलेटर मैं पहले समझा ही देती हूँ उसको। ये देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्लास वूल लगाएंगे लोअर वाले पोर्शन में, फिर क्रूड ड्रग फिल करेंगे। 2/3 पोर्शन तक हम लोगों ने क्रूड ड्रग फिल किया, क्रूड ड्रग के ऊपर हम लोग फिल्टर पेपर लगाएंगे, और फिल्टर पेपर के ऊपर वॉश लेस सैंड लगाएंगे, ताकि ये जो क्रूड ड्रग की लेयर है वो यूनिफॉर्म बनी रहे, ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। उसके बाद पैकिंग हो गई, नेक्स्ट स्टेप इज़ मैसरेशन। अब हम लोगों ने क्या किया, पैकिंग कर दी, उसके वॉश सैंड लगा दिया। वॉश सैंड के ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि हमारा मेन्स्ट्रम जो है, सॉल्वेंट जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। सफिशियंट मेन्स्ट्रम शुड बी एडेड आफ्टर पैकिंग द परकोलेटर। मेन्स्ट्रम को पैकिंग हो गया, उसके बाद आपको सफिशियंट अमाउंट में मेन्स्ट्रम ऐड करना है। ड्यूरिंग एडिशन ऑफ मेन्स्ट्रम द लोअर टैप ऑफ द परकोलेटर शुड बी ओपन सो दैट एयर प्रेजेंट इन द परकोलेटर इज डिस्प्लेस्ड बाय द मेन्स्ट्रम, ठीक है। यानी कि जब हम लोग मेन्स्ट्रम को यहाँ तक, तो हम लोगों ने अभी तक में हम लोगों ने यहाँ तक फिल कर दिया वॉश टाइम तक, लेकिन जब हम लोग मेन्स्ट्रम फिल करते हैं तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए कि जो ये लोअर वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से ओपन रहना चाहिए, ये जो टैप है ये ओपन रहना चाहिए, ताकि अगर कोई भी एयर बबल जो है वो प्रेजेंट हो परकोलेटर में तो वो बाहर आ जाए, ठीक है, मेन्स्ट्रम के थ्रू डिस्प्लेस हो जाए वो, ठीक है। जब मेन्स्ट्रम जो है वो लोअर टैप से बाहर आना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको बंद कर देना चाहिए, वो जो लोअर टैप था उसको बंद कर दो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मेन्स्ट्रम डाला, मेन्स्ट्रम डाला तो हम लोगों ने क्या किया, जो लोअर टैप था उसको ओपन रखा, ठीक है, ताकि एयर बबल अगर हो तो वो मेन्स्ट्रम उसको डिस्प्लेस कर ले, ठीक है। और जैसे ही परकोलेटर से जो हमारा मेन्स्ट्रम है वो बाहर आने लग जाए, तो उस केस में हम लोग को क्या करना है, टैप जो है उसको बंद कर देना है, ठीक है। द मेन्स्ट्रम लेवल शुड बी अबोव ड्रग बेड, जो हम लोगों ने ड्रग का बेड बनाया था, एक लेयर बनाई थी। तो इस स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो हमारा परकोलेटर है उसके अंदर मेन्स्ट्रम ऐड कर दिया। मेन्स्ट्रम ऐड करते टाइम हम लोगों ने ये ध्यान रखा कि जो लोअर एंड है वो खुला रहे, ताकि एयर बबल्स अगर कोई हो तो मेन्स्ट्रम द्वारा डिस्प्लेस हो जाए, और जब परकोलेटर से मेन्स्ट्रम बाहर निकलना शुरू कर दे तो उसको बंद कर दो, ठीक है। उसके बाद मेन्स्ट्रम डालने के बाद उसको 24 आवर्स तक ऐसे ही रहने देना है, और 24 आवर्स के बाद आप लोग को लोअर एंड खोल के और उसमें से परकोलेट जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ मैं स्किप कर गई कि जो मेन्स्ट्रम लेवल जो था वो ड्रग बेड जो हम लोगों ने बनाया, ठीक है, मतलब कि ये वॉश सैंड की, सपोज ये वॉश सैंड की लेयर थी, तो इस वॉश सैंड लेयर से ऊपर तक हमारा मेन्स्ट्रम जो है वो भरा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है परकोलेशन। इस स्टेप में आपको क्या करना होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि 24 आवर्स के लिए उसको रहने देना है, ऐसे कैसे 24 आवर्स के बाद आपको लोअर टैप को ओपन करना है और जो मेन्स्ट्रम है वो कलेक्ट कर लेना है, ठीक है, एंड अंटिल द 3/4 ऑफ द पोर्शन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेंड। मीनवाइल सफिशियंट मेन्स्ट्रम ओवर पाउडर ड्रग इज एडेड सो दैट पैक्ड ड्रग डज नॉट बिकम ड्राई। तो हम लोगों को क्या करना है, मैं समझाती हूँ, ये हमें क्या करना है, हाँ सपोज़ हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, ये सारी वॉश सैंड तक क्लियर भरी, फिर मेन्स्ट्रम डाला। मेन्स्ट्रम डालने के बाद हम लोगों ने 24 आवर्स तक के लिए इसको छोड़ दिया, ठीक है, 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया। 24 आवर्स बाद जो हमको परकोलेट आएगा वो हम लोग को एक ग्लास वेयर में ले लेना है, ठीक है, फ्लास्क में या फिर किसी भी चीज़ में, बीकर में उसको कलेक्ट कर लेना है। फिर हम लोगों को क्या करना है, वापस से थोड़ा मेन्स्ट्रम ऐड करना है, और वापस से नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद
फिर से इसी वाले जो कंटेनर है इसके अंदर इस परकोलेट को कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद में 24 आवर्स बाद वापस से हमको क्या करना है, वापस से जो परकोलेट आएगा उसको इसी कंटेनर में कलेक्ट कर लेना है, यानी कि हमारा जो 1/3 वाला जो 3/4 जो है वो हम लोग को एक कंटेनर में कंटेन कर लेना, और जो लास्ट वाला जो पोर्शन आएगा, ठीक है, जब हम लोग 4th बार ये प्रोसेस करेंगे 24 आवर्स बाद, तो उसको हम लोग अलग कंटेनर के अंदर लेंगे, ठीक है। उसको अलग कंटेनर में क्यों लेंगे, कि उससे हम लोगों को टेस्ट करना है कि इस जो ये जो हमारा परकोलेट है इसके अंदर कोई क्रूड ड्रग अभी भी बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग 1/4 पोर्शन अलग लेते हैं ताकि जो हमारा पूरा का पूरा जो क्रूड ड्रग है जो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट लिया है वो डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। और एक और बात कि जैसे हम लोगों ने 24 आवर्स के लिए रखा, फिर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लिया, तो एक्सट्रैक्ट लेने के साथ साथ परकोलेट लेने के साथ साथ हम लोग को इसमें मेंस्ट्रम भी ऐड करते रहना है ताकि हमारा जो ड्रग है वो ड्राई ना हो, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया परकोलेशन का प्रोसेस, उसके बाद जो मैंने बताया था कि 3/4 पोर्शन अलग रखना है, 3/4 वाला पोर्शन अलग उसमें कलेक्ट करना है ग्लासवेयर में, और नेक्स्ट 1/4 जो होता है वो अलग रखना है। अब इस 1/4 के हम लोग टेस्ट करेंगे, इवापोरेशन करेंगे, ये जो 1/4 बचेगा इसका इवापोरेशन करेंगे, ठीक है, इवापोरेशन करके इसको ड्राई करेंगे, और ताकि पता चल जाए कि कोई रेजिड्यू जो है इवापोरेशन के पास बच रहा है या नहीं बच रहा है। अगर कोई रेजिड्यू बच रहा है तो मतलब आपका जो परकोलेशन का प्रोसेस है वो परफॉर्म नहीं हुआ है अच्छे से, या फिर पूरा खत्म नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। उसके बाद में परफॉर्म मतलब जो हमारा क्रूड ड्रग है इसका मतलब अगर कोई इवापोरेट बच रहा है, कोई सॉलिड रेजिड्यू बच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी जो हमारा परकोलेट है उसके अंदर एक्टिव, उसके अंदर क्रूड ड्रग का एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में या तो आप लोग इसको एवेपरेशन से टेस्ट कर सकते हो, या फिर बहुत सारे केमिकल टेस्ट है, जैसे कि अलग अलग टेस्ट, जैसे कि टैनिंस के लिए जो टेस्ट है वो टेस्ट अप्लाई कर सकते हो इस लास्ट 1/4 वाले सॉल्यूशन में, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट है या नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और ग्लाइकोसाइड हो तो ग्लाइकोसाइड के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है प्रेसिंग द मार्क, यानी मार्क क्या होता है, जो भी रेजिड्यू बचता है एक्सट्रैक्शन के बाद उसको हम लोग बोलते हैं मार्क, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रेस द मार्क। हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन कर लिया, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो हमारा क्रूड ड्रग है यहाँ पे, ये जो क्रूड ड्रग है इसको हमको लेना है और इसको प्रेस करना है, ठीक है, प्रेस करना है। तो इसकी वजह से कुछ और एक्सट्रैक्ट निकलेगा, थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट इसमें से और बाहर आएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारा पहले वाला परकोलेशन वाला एक्सट्रैक्ट, ठीक है, उस एक्सट्रैक्ट को और ये जो मार्क को प्रेस करके जो एक्सट्रैक्ट आया दोनों को मिला देना है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर और मेंस्ट्रम ऐड कर देना है वॉल्यूम मेकअप करने के लिए, और उसके बाद में ये जो लिक्विड फॉर्म होगा इसको प्योरीफाई कर लेना है, ठीक है, फिल्टर कर लेना है। और एग्जाम्पल्स हैं इसके कौन कौन से, मतलब क्या क्या चीज़ें से प्रिपेयर होती है, तो उसके एग्जाम्पल है टिंचर ऑफ बेलाडोना और स्ट्रॉन्ग टिंचर ऑफ जिंजर। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।